कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कुपवारा मोहतरम इंजीनियर मुदसिर दीगर जो फैकल्टी है इस इंस्टीट्यूट की अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह करेंगे तो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कॉलेजों में एक स्कीम लागू की जिसको सीबीएसई सिस्टम कहा जाता है, सीबीएसई सिस्टम। तो इस सीबीएसई सिस्टम से पहले क्या हुआ करता था, कॉलेज में जो पढ़ाई हुआ करती थी वो कुछ और तरह की हुआ करती थी, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रुझान पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और इसी तरह से हमारे मुल्क में भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रुझान बढ़ रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई स्कीम लागू की जिसके तहत कॉलेज में या यूनिवर्सिटी या और जो तालीमी इदारे हैं उनमें एक सिस्टम पैदा किया गया जिसके तहत कॉलेजेस में इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ इन लैंग्वेजेस के साथ साथ स्किल कोर्सेज भी पढ़ाया करते थे। स्किल कोर्सेज खुसूसन साइंस में या आर्ट्स में भी बहुत सारे स्किल कोर्सेज, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक स्किल कोर्स है लैंग्वेज में, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये स्किल कोर्सेज हुआ करते थे साइंस में। तो अब फिर से गवर्नमेंट को सोचना पड़ा और एक पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो रही है पूरे इंडिया में जिसको कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इरादा किया है कि और सब्जेक्ट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को जब डिग्री मिल जाए तो डिग्री लेते वक्त उसके हाथ में कुछ स्किल होना चाहिए। तो इस तरह से थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में हर एक लड़के को ये लाजिम करा दिया है कि उसको कुछ ना कुछ स्किल लेना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर बच्चे को जो एडमिशन लेगा उसको एक मेजर पेपर लेना है, जो लैंग्वेज पेपर होगा या कुछ साइंस पेपर होगा जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और उसके साथ साथ एक माइनर पेपर भी लेना होगा और माइनर पेपर्स के साथ साथ स्किल पेपर भी उसको चूज करना, अडॉप्ट करना होगा। और मकसद इस स्कीम का यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही है कि हमारा जो यूथ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से डिग्री करके निकल जाएगा उसके पास कुछ स्किल होना चाहिए। वजह यह है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और जब हमारा बच्चा, हमारा यूथ किसी इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री लेके जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ डिग्री होती है, कोई स्किल नहीं होता है और वो बेचारा रोजगार के हालत में या रोजगार के मतलब इसके तलाश में दर बदर फिर रहा है क्योंकि उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता है। इसी स्कीम के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप जो बच्चा यहाँ से निकलेगा उसके पास कुछ न कुछ स्किल होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगी। तो इसी लिहाज से जो ये आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है ये भी इसी कड़ी की एक प्रोग्राम की एक कड़ी है जिसके तहत यहाँ आपको इस प्रोग्राम की अहमियत इस तरह से समझ में आए कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि डिग्री जो आप कर रहे हैं आपके पास टाइम बचता है, 4 बजे के बाद जो आपके पास टाइम रहता है, या कोई बच्चा यहाँ से 2 बजे फ्री होता है, 2 बजे के बाद उसके पास जो टाइम होता है उस टाइम को यूटिलाइज करके किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाके कोई कंप्यूटर कोर्स कर सके ताकि डिग्री मुकम्मल होने के साथ साथ उसके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो ताकि आगे उसको वो काम आए।